सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल तो डिसाइड था ये काफी, तो स्वागत है मेरे एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे पीएचडी की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो आप में से जो लोग भी है पीएचडी करने का सोच रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, उनको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में मिल जाएगी कि यहाँ पे आपकी एडमिशन है, पीएचडी में कैसे होने वाली है, कौन कौन सी जो पीएचडी यहाँ पे अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके बाद पीएचडी की फीस कितने रहने वाली है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पीएचडी में फॉलो करने पड़ेंगे, कैसी आपकी पीएचडी की जर्नी रहने वाली है, कैसी आपका करिकुलम रहने वाला है, सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबी रहने वाली है, बट आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीएचडी से रिलेटेड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिससे कि आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करनी चाहिए, वो है फीस स्ट्रक्चर। इस साल है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी पीएचडी की जो फीस है वो बिल्कुल कम कर दी है। ठीक है जी, हाँ, आप फीस की बात करें तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में जो करना चाहते हैं पीएचडी, तो सिर्फ 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है, वो भी बिना किसी स्कॉलरशिप के। और उसके अलावा यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का भी मौका दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपटू 50% तक की स्कॉलरशिप और ले सकते हैं, मतलब की एज लो एज 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर की फीस पे आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो को, ठीक है, बिना स्किप कर देखना एंड तक। शुरू करते हैं सारी पीएचडी की इन्फॉर्मेशन, लाइन वाइज आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाके आपको सर्च करना है lpu.in, lpu.in सर्च करते हैं आप ऐसी कुछ वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये LPU की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको सब कुछ है बिल्कुल सही सही देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा आपको वेरीफाई हो सके कि मैं सही भी बता रहा हूं या नहीं बता रहा। तो ये LPU की ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिशन के ऊपर आएंगे, एडमिशन के ऊपर आते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम्स के ऊपर। डॉक्टरल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे पीएचडी वाले पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आपको पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोवाइड कर रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़े बहुत जो, ठीक है, इनकी रैंकिंग्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो काफी बड़ा कैंपस है, काफी पुराना नाम है, काफी अच्छी इनके पास रैंकिंग है। ठीक है, 74th है जो रैंक इनको ग्लोबली मिला हुआ है। बाकी अगर आप रैंकिंग्स वगैरह डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे ऊपर जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। रैंकिंग्स के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जो LPU का नाम ही, मतलब काफी ज्यादा बड़ा नाम है, तो काफी अच्छी रैंकिंग इनके पास ऑलरेडी है। तो हम जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में ही बात है जो करने वाले हैं। ठीक है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी होती है वो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपको यूजीसी रेगुलेशंस वगैरह देखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके यूजीसी का लेटर पढ़ के सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं कि पीएचडी में आपकी एडमिशन कैसे होगी, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगी, सबसे पहले आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है LPU नेस्ट एग्जाम। अब LPU नेस्ट एग्जाम क्या है? LPU नेस्ट एग्जाम है, ठीक है, जो कि क्या है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, या डॉक्टर प्रोग्राम, तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। क्या कौन सा एग्जाम? LPU नेस्ट एग्जाम। LPU नेस्ट का जो एग्जाम है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का एक प्राइवेट एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको आप घर बैठे बैठे, ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप होम बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं या सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहती है। तो पीएचडी प्रोग्राम में भी अगर आपको किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ता है? LPU नेस्ट का एग्जाम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें सारे पीएचडी प्रोग्राम वगैरह ऑफर किए जाते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको देना पड़ता है कौन सा? LPU नेस्ट का एग्जाम। ठीक है, LPU नेस्ट का एग्जाम देंगे तो जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है सभी कोर्सेज में, मतलब पीएचडी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको जो LPU नेस्ट का एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, तो जो पीएचडी वाले प्रोग्राम है उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा LPU नेस्ट वाला। इसके ऊपर अगर आप और क्लिक करेंगे, तो ठीक है, आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें कि LPU नेस्ट, जो LPU नेस्ट एग्जाम है पीएचडी वाले बच्चों के लिए कब स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, वो सारी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखा होता है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और पीएचडी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 12 फरवरी 2024 से पीएचडी की एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई थी, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है 8 मई 2024। तो जो लोग भी पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 8 मई 2024। तो 8 मई 2024 से पहले पहले अपने आपको LPU नेस्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर कीजिए और LPU नेस्ट का जो एग्जाम दीजिए।
जो डेट रहने वाली है एंट्रेंस टेस्ट की, ठीक है, वो कब रहने वाली है, 10 मई से लेके 12 मई के बीच में, या तो 10 मई, 11 मई या 12 मई, इन तीन दिनों में आप कोई भी एक डे और टाइम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और एग्जाम है जो दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट डेट रहने वाली रजिस्ट्रेशन की वो रहने वाली 8 मई, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रहने वाली है 10 मई से 12 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा, जो रिजल्ट आएगा एलपीयूएनएस का वो 18 मई को आ जाएगा, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू होगा एक, यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस जब बताऊंगा तब आपको और डिटेल में समझ आएगा, जो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसकी आपको जो स्लॉट बुकिंग करनी है वो 18 मई से 21 मई के बीच में आप अपने अकॉर्डिंग है जो स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 25 मई से 31 मई के बीच बीच में आपका जो इंटरव्यू है वो हो जाएगा। उसके बाद 5 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू को। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू के आपको पता लगेगा कि आपका जो एडमिशन है यहाँ पे पीएचडी में आपकी हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपकी जो एडमिशन है हो रही होगी तो लास्ट डेट जो एडमिशन के लिए रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जून, और अगस्त से जो आपकी क्लासेस वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट डेट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 मई 2024 रहने वाली है इस सेशन के लिए, तो जिनको भी रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं। अब जो है एग्जाम की, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका एलपीयूएनएस का एग्जाम है, ठीक है, वो सेंटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है पीएचडी वाले बच्चों के लिए, जो कि आपका 10 मई से 12 मई के बीच बीच में होगा, सेंटर बेस्ड एग्जाम आपका रहने वाला है। एलपीयूएनएस के एग्जाम के लिए जो सेंटर्स है वो काफी सारे सेंटर्स है, आप अपने घर के नियरेस्ट सेंटर पे जाके जो वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। टेस्ट सिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी सिटीज और सेंटर्स आपको पता लग जाएंगे कि कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, या जब आप एलपीयूएनएस एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे तब भी आपको बता दिया जाएगा कि आपके घर के नियरेस्ट कौन सा एलपीयूएनएस का जो सेंटर है, तो आप उस सेंटर पे जाके, ठीक है, 10 मई से 12 मई के बीच में अपना एग्जाम है जो दे सकते हैं। उसके बाद है जो सारे एप्लीकेंट्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया गया है कि लास्ट डेट तक, मतलब 8 मई की वेट ना करें, 8 मई से पहले पहले ही है किसी भी डेट को अपना जो एग्जाम का फॉर्म फिल करके अपना एलपीयूएनएस का एग्जाम है भर दे, ताकि लास्ट डेट पे अगर साइट वगैरह क्रैश हो या कोई भी और दिक्कत हो उसकी वजह से आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये शेड्यूल है जो यहाँ पे चलने वाला है पूरा। अगर इसके अलावा अगर यहाँ पे जो सीट्स है फुल हो गई तो एडमिशन है यहीं पे क्लोज कर दी जाएगी। अगर सीट्स वगैरह बच जाती है तो एक फेज है जो, मतलब कि 2-4 दिन के लिए जो एग्जाम है वो और एक्सटेंड किया जा सकता है, बट अगर सीट्स फुल हो गई तो एग्जाम यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो एलपीयूएनएस का एग्जाम है 8 मई से पहले पहले दे दे, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तो आपके पास 30 जून तक का टाइम रहने वाला है, बट जो एलपीयूएनएस के एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना है उसकी लास्ट डेट 8 मई ही है, तो उससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई यहाँ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। उसके बाद अगर हम बात करें जो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, क्या आपकी जो रहने वाली है, तो सारी चीजें एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया, तो आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि पीएचडी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना पड़ता है एलपीयूएनएस का एग्जाम। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी पे तो आपके सामने यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया खुल जाएगा कि कैसे आपकी जो एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल भी हैं यहाँ पे पीएचडी के प्रोग्राम में लेने के लिए, और उसके बाद आपका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यूजीसी ने अपना नया बनाया, जो पिछले साल ही दोबारा लॉन्च किया गया है, कि अगर आपने 4 साल की अपनी डिग्री कर रखी है, ठीक है, जो 4 साल की यूजीसी के थ्रू अगर आपने अप्रूव डिग्री कर रखी है तो आप डायरेक्टली जो पीएचडी प्रोग्राम में ले सकते हैं। उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें कि अगर किसी ने जो अगर किसी के भी मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए, जिसने भी क्या कर रखी है 2 साल की मास्टर डिग्री कर रखी है और 3 साल की बैचलर डिग्री कर रखी है, तो वो क्या है एलिजिबल है। उनके अगर 55% एग्रीगेट मार्क्स हैं, किसमें 2 साल की मास्टर डिग्री और 3 साल की उनकी बैचलर्स डिग्री, तो टोटल मतलब उन्होंने क्या की, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएशन करी फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो जिनके पास ये दोनों डिग्री है और उनके मिनिमम 55% मार्क्स हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ उनको क्या देना पड़ेगा, एलपीयूएनएस का एग्जाम देना पड़ेगा, एलपीयूएनएस के एग्जाम के बाद आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, तो ये लोग है जो एलिजिबल है। उसके बाद है जिन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री, ठीक है, कर रखी है, ठीक है, जिन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री यहाँ पे कर रखी है, यूजीसी अप्रूव बैचलर्स डिग्री 4 साल की डिग्री कर रखी है, और अपने जो वो क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, मतलब 4 साल की डिग्री कर रखी है और अब अपने मास्टर्स प्रोग्राम में उन्होंने पहले 2 सेमेस्टर या अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो वो भी यहाँ पे जो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। उनको भी जो मिनिमम मार्क्स चाहिए कितने चाहिए 55% के। उसके बाद जो अब यूजीसी ने जो नया निकाला था कि जो अपनी 4 साल की डिग्री के बाद डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए कि जो लोगों ने अपनी 4 साल की डिग्री मतलब बैचलर डिग्री मतलब 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर रखे हैं और उनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं उनकी डिग्री में, 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और उनके
75% मार्क्स हैं, यूजीसी अप्रूव डिग्री उनके पास होनी चाहिए, मतलब ठीक है उनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं और उनके पास मिनिमम 3 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, या तो टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च का एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, तो वो भी डायरेक्टली क्या है, एलिजिबल है यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा जो नया रूल निकाला गया था जिसके थ्रू बहुत सारे नए बच्चे भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के एलिजिबल है, उसके लिए क्या है कि जिन लोगों ने अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और उनके 75% मार्क्स हैं किसी भी प्रोग्राम में और उनके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है या तो टीचिंग में या रिसर्च में या इंडस्ट्री में, तो अगर उनके पास किसी भी प्रकार का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। उसके बाद है जो 5% रिलैक्सेशन दी जाती है एसटी एसटी ओबीसी और जो इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस है, तो उनको अगर जैसे यहाँ पे 75% है तो उनको 5% की रिलैक्सेशन देके उनको 70% पे भी जो एडमिशन है मिल जाएगी। अगर आपकी जो यहाँ पे, ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखना कि जिन लोगों ने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री कर रखी है और उनकी जो यूनिवर्सिटी है अगर वो उनकी जो मतलब सीजीपीए आएगी जैसे 7.5 सीजीपीए आई है उसको वो 9.5 से मल्टीप्लाई करती है तो उनकी जो परसेंटेज है वो 75% नहीं बनने वाली है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपकी जो सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करती है या 10 से मल्टीप्लाई करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आपकी एडमिशन यहां पे होने वाली है या नहीं होने वाली। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी 7.5 सीजीपीए है या 75% मार्क्स है तो ही आप एलिजिबल हैं यहाँ पे 4 साल की डिग्री के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद अगली चीज है जो आपको नोट यहाँ पे कुछ अच्छे ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले तो कि जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जो जिन लोगों को इंजीनियरिंग में पीएचडी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है उनके पास जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है उनके पास वो इंजीनियरिंग की ही होनी चाहिए, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग की कर रखी है वो ही सिर्फ पीएचडी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और कोई कोर्सेज के बच्चे हैं जो पीएचडी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे कि एग्जांपल देके मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर जिन्होंने एमटेक या एमई कर रखी है इन सीएससी वही सिर्फ पीएचडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, जिन बच्चों ने जैसे एमसीए या एमएससी कर रखी है वो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली पीएचडी में नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन वाली पीएचडी में। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही सिर्फ इंजीनियरिंग पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद है जिनके पास यहाँ पे, ठीक है, जो एडमिशन रहने वाला है एडमिशन जिन्होंने डिस्टेंस, अब एक बात और आता है बच्चों का डाउट कि जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से ऑनलाइन मोड में कर रखी है मास्टर डिग्री, क्या वो भी पीएचडी में एडमिशन लेने के एलिजिबल है? तो यस, आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, बट आप किसी भी इंजीनियरिंग पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपने जो अपनी एजुकेशन है वो जैसे कि आपने अपनी यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ली थी कि एमटेक या एमई डिस्टेंस एजुकेशन से कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है इंजीनियरिंग वाली उसमें लेने के लिए एडमिशन पीएचडी में, बट अगर आपने कोई और कर रखी है, ठीक है, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो अपनी पीएचडी में। उसके बाद जिन लोगों ने अपनी सीएस मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है जो कंप्लीट कर रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएसआई से कंप्लीट कर रखा है और उनके 55% मार्क्स हैं तो वो पीएचडी कॉमर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और जिन लोगों ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि सीए का कोर्स कर रखा है कहां से, आईसीएआई से, ठीक है, आईसीएआई से एग्रीगेटेड है उनकी डिग्री सीए की, तो वो अगर और उनके 55% मार्क्स हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी कॉमर्स में, ठीक है। तो ये उनके लिए भी है जो लोग यहां से करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने यहां पे PGDMBA है जो 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, AIU से, वो भी यहाँ पे है जो PhD मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ये तो पता लग गया कि LPNH का एग्जाम देना है, बट पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है अब वो बताने वाला हो तो डिटेल में सुनना। अब जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, सबसे पहले तो उनको LPNH का एग्जाम देना पड़ेगा। जो लोग LPNH का एग्जाम क्लियर करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको देना पड़ेगा एक इंटरव्यू। जिन लोगों, ठीक है, जो लोग इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपकी जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। अगर हम बात करें 70% जो वेटेज है वो आपकी LPNH एग्जाम की रहने वाली है और 30% वेटेज है आपकी जो इंटरव्यू की रहने वाली है। इन दोनों के बेसिस के ऊपर आपकी यहाँ पे जो एडमिशन है होने वाली है। उसके बाद है जो अब बहुत लोगों का डाउट आएगा कि LPNH का एग्जाम देना कंपलसरी है, कौन कौन लोग हैं जो LPNH का एग्जाम देने के लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी UGC का नेट JRF या तो CSRI का नेट या JRF एग्जाम क्लियर किया हुआ है या गेट या
GPAT एग्जाम क्लियर किया हुआ है या उन्होंने MPhil प्रोग्राम किया हुआ है, तो ये सारे लोग हैं जो क्या है एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट देने से। इनका LPUNESH का एग्जाम तो इनको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में है, बट आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू देना सभी PhD होल्डर्स के लिए कंपलसरी रहने वाला है, तो जो लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना उनमें से किसी भी एग्जाम में उनको क्वालिफाइड किया होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कि जिन लोगों का भी जो LPUNESH का एग्जाम है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा बट उनको इंटरव्यू है जो देना पड़ेगा। और जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि आपका स्कोर कार्ड या तो UGC का यहाँ पे, ठीक है, या तो CRS का या गेट का या GPAT का या MPhil प्रोग्राम की डिग्री, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जब आपका इंटरव्यू होगा आपको ओरिजिनली दिखाने पड़ेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के दौरान अप्रूव होते हैं तो ही वो मान्य रखे जाएंगे, अदरवाइज आपको LPUNESH का एग्जाम है जो दोबारा देना पड़ेगा। उसके बाद है, ठीक है, एग्जामिनेशन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट पुराना नहीं होना चाहिए अगर आपको उसके बेसिस के ऊपर जो एग्जामिनेशन है क्लेम करनी है। जो फाइनल डिसीजन है, ठीक है, जो रहने वाला है आपका वो 100% जो अब आपके जो LPUNESH का एग्जाम तो नहीं हुआ लेकिन सिर्फ इंटरव्यू हो रहा है, तो यहाँ पे अब जो आपका एडमिशन का डिसीजन रहने वाला है कि आपके एडमिशन PhD में होगी या नहीं होगी, वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, आपके इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर। इंटरव्यू है जो किसी का भी बाईपास नहीं होने वाला, इंटरव्यू सबको देना पड़ेगा। जिन लोगों ने LPUNESH का एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाएगा उनकी टोटल है जो एडमिशन का प्रोसेस है डिपेंड रहने वाला है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए जो लोग PhD वगैरह करना चाहते हैं उन लोगों को कितने, ठीक है, उनकी मास्टर डिग्री में उनको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए। जो एग्रीकल्चर में देना चाहते हैं PhD प्रोग्राम में उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। एग्रीकल्चर की PhD के अलावा आप किसी भी PhD में एडमिशन ले रहे हो तो आपको मिनिमम सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको मिनिमम एग्रीगेट 65% मार्क्स चाहिए आपकी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी डिग्रीज में। उसके बाद आपको LPUNESH का एग्जाम देना पड़ेगा और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब यहाँ पे, ठीक है, जो ST या जो डिफरेंटली एबल्ड है या जो इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस है उनको 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है, जिसके बाद उनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है वो 60% का हो जाता है, ठीक है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी जो LPUNESH देना पड़ेगा LPUNESH का एग्जाम एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद है जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है PhD वाले बच्चों के लिए, उनका जो 80% वेटेज है वो किसको दी जाएगी, वो दी जाएगी LPUNESH के एग्जाम को 80% वेटेज, और 20% वेटेज है दी जाएगी उनके इंटरव्यू को। जो कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स थे उसमें 70% वेटेज थी एग्जाम को, 30% वेटेज थी इंटरव्यू को, लेकिन एग्रीकल्चर में जो ज्यादा वेटेज है 80% की वो दी जाती है LPUNESH के एग्जाम को, 20% वेटेज दी जाती है आपके इंटरव्यू को। तो ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है किसी भी PhD के लिए, सबके लिए कॉमन रहने वाला है। उसके बाद है जो आपका, ठीक है, एडमिशन है जो आपके PhD प्रोग्राम, जो अब जो मैंने आपको यहाँ पे तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था ना कि जो आप 4 साल की डिग्री के बाद डायरेक्टली है जो एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो प्रोग्राम की लिस्ट है इसमें आप डायरेक्टली 4 साल की डिग्री के बाद है PhD प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते। ये पूरी PhD की लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दूँ PhD इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, PhD इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेलॉजी, ठीक है, लॉ में, एजुकेशन में, प्लांट ब्रीडिंग में, तो इन सभी कोर्सेज में जो आप डायरेक्टली 4 साल की डिग्री के बाद एडमिशन है नहीं ले सकते। तो इसके अलावा जो बची कुची होंगी उसमें आप 4 साल की डिग्री के बाद और 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पेशल नोट आपको दोबारा दे रहा हूँ कि जो आपको डिग्री मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है, जो आपको PhD की डिग्री मिलने वाली है उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आपको डिग्री यहाँ से मिलेगी PhD के LPU से पढ़ने के बाद, वो डिग्री आपको हेल्प करेगी कि आपको कोई भी यहाँ पे जैसे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये डिग्री से डायरेक्टली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे कोई भी नेट का एग्जाम है जो नहीं क्लियर करना पड़ेगा। वैसे अगर आपने जो PhD नहीं की तो आपको नेट का एग्जाम देना पड़ता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एलिजिबल होने के लिए, बट अगर आपने यहाँ से PhD कर ली, PhD की डिग्री आपको मिल जाती है UGC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप जो नेट का एग्जाम बाईपास करके डायरेक्टली है किसी भी रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में टीचर के रोल के ऊपर है डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया। उसके बाद है रिसर्च हाइलाइट्स की बात, अगर आप यहाँ पे कर रिसर्च स्पॉटलाइट देखते हैं कि कौन से बच्चों ने यहाँ पे कौन कौन सी रिसर्च वगैरह की रखी है, ठीक है, कितने पेटेंट्स यहाँ से हो रखे हैं ऑलरेडी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बात करने वाला क्योंकि नहीं तो वीडियो और ज्यादा लंबी है जो हो जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पे आपकी एडमिशन हो गई, आपकी इंटरव्यू हो गया, ठीक है, आपका इतना प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, अब आपके कोर्स में क्या होने वाला है, कैसे आपका कोर्स स्टार्ट होगा, कैसे आपको यहाँ पे जो पीएचडी की कैंडिडेसी मिलने वाली है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो अगस्त 2024 के इनटेक के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको लास्ट डेट पता ही है, 30 मई तक आपके एडमिशन्स कंप्लीट हो जाएंगे, अगस्त से जो आपका सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए जो सबसे पहले इस पहले सेमेस्टर में क्या कंप्लीट करना होता है, कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है। कोर्स वर्क क्या होता है, जो पीएचडी से पहले आपको इंपॉर्टेंट जो प्री रिक्विस्ट कोर्सेज होते हैं उनको कंप्लीट करना पड़ता है। टोटल इसमें 4 कोर्सेज आते हैं जिसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो आपकी पीएचडी की क्लासेज लगती है वो रेगुलर कोर्सेज की तरह नहीं लगती है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस रहने वाले हैं कि क्लासेस आपकी कैसे लगने वाली है। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपकी जो क्लासेस है वो हर वीकेंड को लगेंगी, अगस्त से लेके दिसंबर तक, ठीक है, अगस्त से लेके दिसंबर तक हर वीकेंड पे आपकी क्लासेस लगने वाली है, ठीक है, कब, सैटरडे और संडे को। दूसरी ऑप्शन आपके पास रहती है कि एक मंथ में आपकी 4 क्लासेस लगे, ठीक है, एक मंथ में डायरेक्टली आपकी 4 क्लासेस लग जाए, अब आपकी, ठीक है, वो क्लासेस अगस्त से दिसंबर तक लगेंगी, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि कब लगेगी। या आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपकी जो 15 दिन की क्लासेस है वो एक साथ लगा दे सिर्फ एक मंथ में बार बार, जैसे कि आपको हर वीकेंड पे ना जाना पड़े या आपको हर 4 दिन में ना जाना पड़े एक महीने में, तो डायरेक्टली आपकी 15 दिन की क्लासेस है जो दिसंबर में लग जाएंगी। तो ये 3 ऑप्शन है जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहती है कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए और जो क्लासेस लगाने के लिए। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करें तो अगर आप यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, जिसमें आपको और ज्यादा डिटेल में जो कोर्स वर्क के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको बताता हूँ सारी ऑप्शंस के बारे में डिटेल में, कोर्स वर्क कैसे कंप्लीट करना है, उसमें क्या क्या चीजें आपको आने वाली है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पीएचडी का, ठीक है, जो नॉन एग्रीकल्चर कोर्सेज है पीएचडी के लिए, उन सब कोर्सेज के लिए जो कोर्स वर्क है, ठीक है, क्या रहने वाला है, मैंडेटरी रहने वाला है, सबको आपको पीएचडी करनी है तो आपको कोर्स वर्क है जो कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम आपके 14 क्रेडिट्स आपको मिलने वाले, ठीक है, मतलब 14 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे आपके कोर्स वर्क के ऊपर डिपेंड करने के लिए आपकी डिग्री में, जो कि इंक्लूड होने वाले 14 क्रेडिट्स। उसके बाद है, ठीक है, जो पीएचडी प्रोग्राम है वो कंप्लीट है, आपको करना पड़ेगा पहले 1 या 2 सेमेस्टर में जो टाइम आपको यूनिवर्सिटी देगी उसके विदिन आपको है जो पूरा अपना कोर्स वर्क है कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स वर्क के अंदर आपके कौन कौन से कोर्सेज है जो आने वाले हैं वो अब आपको बता देता हूँ। कोर्स वर्क के अंदर आपके टोटल 4 कोर्सेज आते हैं। पहला कोर्स आता है जो आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, ये कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कोर्स आता है रिसर्च माइथोलॉजी, आपको पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एकेडमिक राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको रिसर्च सेमिनार है जो वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये 4 कोर्सेज है जो आपको कोर्स वर्क के अंदर कंप्लीट करने हैं। मिनिमम आपकी जो अटेंडेंस रहने वाली है कोर्स वर्क में, जैसे कि जो आपकी क्लासेस लगने वाली है, मिनिमम आपको 75% अटेंडेंस है जो मेंटेन करनी पड़ेगी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम होती है तो आप फाइनल एग्जामिनेशन है जो कोर्स वर्क के लिए नहीं दे पाएंगे और आपको जो सारा चीजें डिटेन हो जाएंगे तो दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो कोर्स वर्क में भी आपकी जो क्लासेस आपको अटेंड करनी है वो मिनिमम 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है। इवैल्यूएशन जो पैरामीटर्स आपका रहने वाला है यहाँ पे वो रेगुलर प्रोग्राम्स की तरह रहने वाला है। आपकी जो क्लासेस लगेंगी, आपके जो एग्जाम होंगे उसके बेसिस के ऊपर रेगुलरली जैसे आपको एवेल्युएट किया जाता है आपकी डिग्रीज में, वैसे ही आपको यहाँ पे भी एवेल्युएट है जो किया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो आपको कोर्स वर्क में चाहिए वो 55% मार्क्स चाहिए। तो जो भी चारों कोर्स आप करने वाले हैं जो एग्जाम देंगे उसमें क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स है जो चाहिए। किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 40% से कम मार्क्स आते हैं तो उस कोर्स में जो आप फेल हो चुके हैं। तो मतलब टोटल आपको इन सब में मिला के मोर देन 55% मार्क्स चाहिए और हर कोर्स में एटलीस्ट 40% की जो मार्क्स है आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो कोर्स वर्क आपका रहने वाला है नॉन एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए वो क्या रहने वाला है, जब मतलब कि जो आपको 3 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बताई थी। सबसे पहली ऑप्शन आपकी क्या रहती है कि हर वीकेंड पे आपकी मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो आपका इंटेक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, अगस्त टू दिसंबर रहने वाला है। तो जो अगस्त टू दिसंबर हर वीकेंड पे मतलब कि सैटरडे को 2 बजे से 5 बजे तक और संडे को 9 से 5 बजे तक आपकी जो पीएचडी की क्लासेस रहने वाली है। और अगर हम बात करें दूसरी ऑप्शन रहती है कि आप डायरेक्टली हर वीकेंड पे जाने की जरूरत नहीं है, एक महीने में सिर्फ 4 दिन आपको क्लास जाना है, ठीक है, वो भी कब जाना है, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली 4 दिन आपको जाना पड़ेगा एक महीने में। अब ठीक है, तीसरी ऑप्शन जो आपके पास रहती है कि आपको हर महीने में 4 बार भी नहीं जाना, हर वीकेंड पे भी नहीं जाना, तो आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि या तो आप मई या जून में डायरेक्टली 15 दिन की डेली क्लासेस अटेंड करो सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, या दिसंबर में जो भी
अगस्त इनटेक रहने वाला है, उन बच्चों को दिसंबर में डायरेक्टली 15 दिन की वो क्लासेस अटेंड करेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली। तो ये तीन ऑप्शन है जो आपके पास अवेलेबल रहने वाली है। अब यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या रहने वाली है कि हर मंथ में आपको 4 दिन है जो कॉलेज जाना है, वो 4 दिन कौन से जाना है, हर महीने के थर्ड वीक में, थर्सडे टू संडे, हर महीने के थर्ड वीक में, मतलब कि जो हर महीने का आपका थर्ड वीक रहने वाला है उसमें थर्सडे टू संडे आपको सुबह 9 से लेके 7 बजे तक है जो क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन है जो चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज है जो मैं ऐड करूंगा कि आप इनमें से कोई भी ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे जो मतलब ये जो ऑप्शन है ना उनमें मिनिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो होंगे तभी। अगर ऐसा है कि किसी बच्चे ने ये चूज कर लिया ऑप्शन 1, किसी ने 2, किसी ने 3, ज्यादातर अब वो वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज की जाएगी जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। जैसे सपोज करिए कि ऑप्शन ऑप्शन 2 को चूज कर लिया, ठीक है, 100 बच्चों ने ऑप्शन 3 को चूज किया, 10 बच्चों ने ऑप्शन 1 को चूज किया, 20 बच्चों ने, तो ये जो ऑप्शन 3 है को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही कम बच्चों ने ऑप्शन को चूज किया है, ठीक है, तो दो या तो आपको ठीक है सेकंड ऑप्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि मतलब जो भी ऑप्शन में कम बच्चे होंगे उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, मतलब कि टीचर्स को क्लास लेने के लिए मिनिमम जैसे कि 50-100 बच्चे जितने भी है उतने बच्चे वहां पे अवेलेबल होंगे तभी उस ऑप्शन को यूज किया जाएगा, अदरवाइज उस ऑप्शन को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर यहाँ पे जो मिनिमम बच्चे यहाँ पे नहीं होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्कॉलर्स ऑप्टिंग फॉर द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, तो ये एक ऑप्शन है जो कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद है जो सेकंड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी कि हर थर्सडे टू संडे आपकी जो थर्ड वीक में, ठीक है, 4 दिन की क्लासेज लगने वाली है 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद इंडक्शन प्रोग्राम है जो हर क्लास के पहले आपका, जब भी आपकी क्लास होगी हर क्लास से पहले आपका इंडक्शन प्रोग्राम है जो कंडक्ट किया जाएगा आपको, ठीक है, क्लास के बारे में सारा बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स वर्क एग्जामिशन की कि जिनको कोर्स वर्क करने की जरूरत नहीं है और वो डायरेक्टली है वो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पीएचडी की कैंडिडेंसी, जिन लोगों ने भी एमफिल कर रखी है रेगुलर मोड में विद 55% मार्क्स या उनके मतलब डिग्री में बी ग्रेड है या 7-पॉइंट स्केल है उनका, रेगुलर मोड में एमफिल का कोर्स कर रखा है तो उनको ये जो ये कोर्स वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कोर्स वर्क एमफिल के कोर्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं, तो वो कोर्स वर्क से एग्जामिशन ले सकते हैं और उनको डायरेक्टली है जो पीएचडी की कैंडिडेंसी मिल जाएगी, वो अपना रिसर्च वर्क पहले ही सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जो अब एग्रीकल्चर वाले बच्चे आते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है कोर्स वर्क के लिए, वो क्या डिफरेंस है कि कोर्स वर्क करना तो उनको भी मैंडेटरी है और उनका, लेकिन जो कोर्स वर्क है वो 3 सेमेस्टर तक चलने वाला है, जो पहले वाला, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोग्राम है उनका कोर्स वर्क है पहले सेमेस्टर तक ही चलेगा, पहले सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए 3 सेमेस्टर तक है कोर्स वर्क चलने वाला है और टोटल 30 क्रेडिट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको यहाँ पे पूरा ये जो कंप्लीट करना पड़ेगा, मिनिमम 75% अटेंडेंस उनको भी चाहिए। एवेल्युएशन है जो नॉर्मल प्रोग्राम्स की तरह रहने वाला है। पीएचडी प्रोग्राम में आपको मिनिमम 6.5 सीजीपीए मतलब कि 65% मार्क्स है जो मिनिमम लाने पड़ेंगे कोर्स वर्क में और हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 60% या 6 सीजीपीए लानी पड़ेगी। उसके बाद है यहाँ पे जो आपका शेड्यूल रहने वाला है कोर्स वर्क के लिए, 3 सेमेस्टर तक की ड्यूरेशन चलने वाली है, जो आपका अगस्त इनटेक रहेगा उनका अगस्त टू दिसंबर चलेगी, ठीक है, आपकी पर वीक में जैसे जैसे क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल बना के आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वाला शेड्यूल आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है अगर आपको यहाँ पे जो रहने वाला है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, ठीक है, मतलब कि वो भी ऑप्शन सेम रहने वाली है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन है जो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस ऑप्शन में बच्चे होंगे वही ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद है आपका 3 सेमेस्टर के लिए जितने भी चलेंगे यहाँ पे कोर्स वर्क की क्लासेस उसमें आपको सबसे पहले इंडक्शन दी जाएगी। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे फ्लेक्सी कोर्स वर्क की, क्लोज कोर्स वर्क आपका कैसे होगा, कब कब आपकी क्लासेस लगने वाली है, कितनी अटेंडेंस मैंडेटरी है, तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है किसी भी, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम देना है कुछ भी करना है तो 75% अटेंडेंस आपकी यहाँ पे मैंडेटरी रहने वाली है। अब कौन कौन से जो पीएचडी प्रोग्राम है एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पीएचडी आर्किटेक्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्लिनिकल मेमोरी, तो यहाँ पे बहुत प्रकार की जो पीएचडी ऑफर की जाती है जो लिस्ट आप यहां पे मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट लिंक्स वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिसके थ्रू आप यहां पे पूरी डिटेल में जो जाके पूरा पीएचडी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जाके देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने यहां पे एडमिशन लेनी है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी या सीए के बाद, उनके लिए यहां पे रिकॉग्निशन लेटर्स हैं जो आईसीए से या आईसीएसआई से दिए गए हैं, वो यहां पे लेटर्स जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन लोग बड़े लोगों ने कुछ यहाँ पे जहाँ से जो एलपीयू से पीएचडी कर रखी है उनके यहाँ पे दे रखे हैं कि किन किन लोगों ने कर रखी है, उन लोगों कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ पे दे रखे हैं सारे जो कह सकते हैं कि
इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस में नहीं करने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंशियल फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जितने भी पीएचडी होल्डर्स या पीएचडी यहाँ से करने वाले हैं उन सब लोगों को एलपीयू में ही रहने के लिए हॉस्टल्स मिल जाएंगे, अपार्टमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कहीं आसपास रहते तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर किसी के बच्चे वगैरह है तो उनको क्रच की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहीं पे, मतलब सारी चीजें हैं जो एलपीयू के अंदर ही आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। 600 एकड़ का बड़ा कैंपस है, सारी इन कैंपस अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब कि जनरली जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे नॉर्मल डाउट्स हैं जो मैक्सिमम लोगों के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। अब जो फाइनल चीज आती है कि आपकी जो फी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी यहाँ पे करना चाहते हैं ठीक है पीएचडी वगैरह, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फी स्ट्रक्चर और जो फीस है वो काफी ज्यादा कम कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से पीएचडी की कितनी कितनी फीस है, तो यहाँ पे बता दूं आपको, कोई भी पीएचडी अगर आप एलपीयू से करना चाहते हैं तो आपकी जो फी स्ट्रक्चर है वो 50,000 पर सेमेस्टर की फीस कर दी गई है। चाहे आप मैनेजमेंट में करें, चाहे इंजीनियरिंग में करें, चाहे एग्रीकल्चर में करें, चाहे फार्मास्यूटिकल साइंस में करें, चाहे लॉ में करें, कोई भी कोर्स में आप देख सकते हैं 50,000 पर सेमेस्टर आपकी जो रहने वाली है पीएचडी। और यहाँ पे जो आपकी पीएचडी की प्रोग्राम है, ड्यूरेशन है, वो डिपेंड करेगी आपके कोर्स के ऊपर कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं उसके ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। वो भी आपको कैसे चेक करना है वो भी आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 50,000 की फीस है, इसके ऊपर आपको अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप भी मिल रही है। जो सबसे पहले हमने एग्जाम में बात की थी कि 50 आपको जो एलपीयूनेश का एग्जाम देना है, एलपीयूनेश का एग्जाम दोगे, अगर एलपीयूनेश की कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आप आते हो तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके बाद आपकी पर सेमेस्टर जो फीस है वो सिर्फ 25,000 रुपीज रह जाएगी। तो अगर आपको एलपीयूनेश की कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आना है ठीक है, तो आप एलपीयूनेश का एग्जाम देकर अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अगर आप कैटेगरी 2 में आते तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 में आते तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। उसके अलावा भी काफी सारी स्कॉलरशिप है जो एलपीयू ऑफर करता है ठीक है। वो कौन कौन सी है कि अगर आपने यहाँ पे दे रखा है ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर कर रखा है, नेट का, यूजीसी का, सीआरएस का, गेट का, जीपीटी का, और आपने उसके जैसे गेट के एग्जाम में आपकी परसेंटाइल इक्वल टू है या मोर देन 90% से ज्यादा परसेंटाइल मार्क्स आपके गेट में या आपके जीपेट में रैंक है 1 से 1,000 के बीच में, तो आपको डायरेक्टली 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। डीएसटी इंस्पायर की फेलोशिप है अगर आपके पास, या गेट की आपकी 85 से 90 के बीच में मार्क्स है, या जीपेट में 1,000 से 2,000 के बीच में रैंक है, तो आपको डायरेक्टली 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अभी यहाँ पे ये जो मार्क्स लिखे हुए हैं ये काफी ज्यादा हाई क्लास मार्क्स हैं, तो अगर आपके इतने मार्क्स होते हैं तो आप मतलब बहुत रेयर बच्चों के इतने मार्क्स आ पाएंगे। इसलिए जो एलपीयूनेश का एग्जाम यहाँ पे लॉन्च किया गया है कि जिन बच्चों के यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है इन मार्क्स के बेसिस के ऊपर, तो एलपीयूनेश का एग्जाम देके स्कॉलरशिप का मौका सबको मिल सके। उसके बाद अगर हम बात करें 30% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं ठीक है, या गेट परसेंटाइल हैं, या जीपेट में आपके 2000 से 3000 के बीच में रैंक है, तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद है जिन्होंने जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर रखा है उनको 80% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तब तक मिलेगी जितना आपके एग्जाम मतलब लेटर में मेंशन होगा कि इतनी ड्यूरेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो आपको 80% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। उसके बाद है ठीक है, और भी रिसर्च आउटकम्स के बेसिस के ऊपर भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके पास 2 स्कूपस हैं या वेब ऑफ साइंस में आपकी पब्लिकेशन है, तो आपको क्या मिल जाती है, 50% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। या आपने कोई भी एक पेटेंट कर रखा है तो भी आपको डायरेक्टली 50% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। या आपके पास 1 स्कूपर है, आपका इंडेक्स में प्रिंटेड है, तो आपको ठीक है मतलब एक आपने कोई पब्लिकेशन कर रखी है तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। या अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल जो टॉपर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के, उनको भी 40% की स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद है कुछ अदर कैटेगरी की स्कॉलरशिप जो आपको यहाँ पे मिलेगी, वो क्या रहने वाली है कि जो लोग भी यहाँ पे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही तो उनको डायरेक्टली 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी ठीक है। और डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने या तो एलपीयू के एलुमनाई या एलपीयू से पढ़े हुए हैं तो भी आपको डायरेक्टली 20% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। तो ये सारी स्कॉलरशिप है जो एलपीयू ऑफर करता है, जिसके बाद जो आपकी पीएचडी की फीस है काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही है तो भी आपकी जो फीस है वो पर सेमेस्टर सिर्फ 50,000 रुपीज है, जो कि बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर आप लेवल कंपेयर करेंगे एलपीयू का तो बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा हाई लेवल है, बट जो फीस है इस साल काफी ज्यादा कम कर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडिडेट्स ठीक है, जो कि क्वालिफाई करते हैं ये वाले एग्जाम, मतलब अगर कैंडिडेट में यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले ली और उसने उसके बाद जेआरएफ का एग्जाम है जो क्लियर कर लिया 1.5 साल के अंदर अंदर पीएचडी के, तो उसको जो ये 80% वाली स्कॉलरशिप है वो भी यहाँ पे वो क्लेम कर सकता है अगले सेमेस्टर से। जैसे 1.5 साल के अंदर अंदर उसने कर ली तो अगले सेमेस्टर में जो उसका 4th सेमेस्टर आएगा उसमें वह जो जेआरएफ वाली 80% की स्कॉलरशिप है उसको क्लेम कर सकता है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप है आपकी, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है वो सिर्फ आपकी 4 साल तक कंटिन्यू रहने वाली है। अगर
आपका पीएचडी का प्रोग्राम 4 साल से कम है या 4 साल का है तो आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका जो पीएचडी को ड्यूरेशन वो 5 साल है या 6 साल है तो आपको जो जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो सिर्फ 4 साल तक मिलेगी, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप है जो नहीं मिलने वाली। जितने भी यहाँ पे लड़कियां हैं या एलपीयू के एलुमनाई है उनको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब आपको जो कुछ एडिशनल फीस है जो देनी पड़ेगी वो क्या रहने वाली है वो भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी जो थीसिस की एवेल्युएशन रहने वाली जो एग्जामिनेशन फीस है आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी 50,000 रुपीज आपकी एकेडमी फीस है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस है जो एक्स्ट्रा देनी पड़ती है जो कि 4,500 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। उसके बाद जो आपको थीसिस एवेल्युएशन फीस रहने वाली है 20,000 रुपीज की वो भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो थीसिस की आपकी क्या है एवेल्युएशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो सीआईएफ की फीस है अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लैब और एक्सपेरिमेंट के लिए जो टीचर या आपका जो सुपरवाइजर है वो कंडक्ट कराएगा उसके लिए आपके कोई भी जो फीस वगैरह नहीं लगने वाली है। लेकिन किसी कैंडिडेट के लिए अगर सेपरेट कोई एक्सपेरिमेंट या लैब्स कंडक्ट हो रही है तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा है जो पे करना पड़ेगा। कोई भी टर्म के एवेल्युएशन चार्जेस के लिए एग्जाम के लिए आपको चार्जेस अलग से नहीं देने पड़ेंगे, बट अगर आपके लिए स्पेशली कोई चीज कंडक्ट होती है तो वो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है या कुछ भी होता है तो आपका जो हेड ऑफ सेंटर रहेगा रिसर्च के लिए उनका डिसीजन है जो फाइनल रहने वाला है। जैसे किसी चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि इसमें इतने मार्क्स आने चाहिए कुछ भी है तो कोई कंफ्यूजन होगा तो उसका जो फाइनल डिसीजन रहने वाला है तो वो क्या किसका रहने वाला है, ठीक है, हेड ऑफ सेंटर का रहने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जिसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है फीस डिटेल एंड लाइसेंस, बहुत सारी चीजें भी मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया। तो फीस के अलावा ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4,500 रुपए की आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है जो आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फीस है जो आपकी इंक्लूड करती है किसके लिए, इवैल्यूएशन ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड प्रिपेयर्ड बाय कैंडिडेट्स आफ्टर एवरी टर्म। मतलब जो आपकी एग्जामिनेशन फीस आप 4,500 रुपए की देने वाले हैं उसमें ये सारी चीजें सेमिनार प्रेजेंटेशन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, ये सारा कुछ है जो इंक्लूड रहने वाला है जिसमें आपका इवैल्यूएट होगा, ठीक है। जितनी भी फीस है आपको सारी सेमेस्टर के लिए सबमिट है जो करने वाली है बिफोर अगले सेमेस्टर आने से पहले पहले जो अगले सेमेस्टर की फीस है आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। 20,000 रुपीज की थीसिस फीस देनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको फीस है नहीं है अलाइड इश्यूज जो डिस्कस करने हैं जो कि बेसिकली जो चीजें क्लियर होनी चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पे रीड है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फीस वगैरह के बारे में भी बता दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोबारा आते हैं तो आपको अगर जानना है कि जो फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया, यहाँ पे सारी चीजें बता दी। उसके बाद अगर आपको जानने की पीएचडी के बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी पीएचडी ऑफर की जाती है वो मैंने ऑलरेडी बताया था। आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे पीएचडी की लिस्ट आपको दिख जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की पीएचडी के ऊपर पहुंच जाएंगे यहाँ पे और आपको सारी चीजें जो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे पीएचडी के लिए कौन सी पीएचडी की बात कर रहे हैं, पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशन कितनी ड्यूरेशन है यहाँ पे, मिनिमम 3 साल की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है, मतलब टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स यहाँ पे रहने वाले हैं पीएचडी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है कि मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताए थे मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। और उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वही रहने वाला है, एलपीएनएच का एग्जाम देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 70% वेटेज आपकी एंट्रेंस एग्जाम की रहने वाली है, 30% वेटेज आपकी इंटरव्यू की रहने वाली है। रैंकिंग्स वगैरह आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स वर्क के लिए आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। करिकुलम आपको देखना है तो यहाँ पे आके आप अपना पूरा करिकुलम वगैरह देख सकते हैं। फीस आपको देखनी है तो यहाँ पे 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। एलपीएनएच का एग्जाम देते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको जितनी स्कॉलरशिप लगती है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप मिलती है तो 50% की स्कॉलरशिप के बाद आपकी जो फीस रह जाएगी पर सेमेस्टर 25,000। कैटेगरी 2 में आते हैं तो पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 30,000 और कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 35,000 रुपए। एग्जामिनेशन फीस आपकी रहने वाली है 4,500 रुपीज। रेजिडेंशियल फैसिलिटी हॉस्टल फीस के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक करके आप सारी फैसिलिटीज के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस है जो सिंपल आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको एलपीयूएनएच के लिए रजिस्टर करना है, उसके बाद एलपीयूएनएच का एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू आती है आपको एडमिशन लेने लिए। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर से बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है। लास्ट डेट रहने वाली है 8 मई, एग्जाम आपका होगा 10 मई से 12 मई के बीच में, रिजल्ट आ जाएगा आपका 18 मई को। इंटरव्यू के लिए आपका जो स्लॉट बुकिंग होगी वो 18 से 21 मई होगी। इंटरव्यू जो होगा आपका 25 मई से 31 मई के बीच में होगा और आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा वो 5 जून को आएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जून 2024। तो ये थी पूरी डिटेल पीएचडी के रिगार्डिंग कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। अगर आपको और ज्यादा पीएचडी के रूल्स वगैरह, ड्यूरेशन एंड अटेंडेंस, ठीक है, सुपरवाइजर आपका कैसे अलॉट होगा, इन तीनों चीजों के बारे में भी जानना है तो एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हो, या आप यहां पे क्लिक करके डायरेक्ट लिंक्स पे देख सकते हैं। इन सभी पेजेस के डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आपको सारे डाउट्स से क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।